प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हैं CBSE बोर्ड के, वो कब होंगे। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपको अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो CBSE बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं, और जो मुख्य 12 विषय हैं उन्हीं पर इंटर का लेना है, जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल पूर्वी जिले के जो छूट गए थे, हाई स्कूल के जो 6 पेपर छूटे थे, और जो 12वीं की कुल मिलाकर के पूर्वी जिले दिल्ली के जो प्रस्तुतिवश नहीं हो पाए थे उनके लगभग 23 पेपर थे, तो वो भी ये सारे प्रश्न पत्र विषयों के, मूल विषयों के, ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना निश्चित है। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, और जो बचे हुए पेपर हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सभी पेपर होंगे। कुछ लोगों की ये शंका है कि क्या सभी विषयों के जो पेपर्स हो गए, क्या उन विषयों के भी होंगे? जो पेपर हो चुके हैं उन विषयों के दोबारा पेपर नहीं होंगे। और वैसे तो 83 प्रश्न पत्र हैं, लेकिन जो वैकल्पिक आपके प्रश्न पत्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगे। केवल कुल मिलाकर के 29 प्रश्न पत्र बचे हुए हैं जो मूल विषय के हैं। यही 29 मूल विषयों के प्रश्न पत्र 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे। और आप बहुत अच्छे से मस्ती के साथ पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मेरी शुभकामना है कि आपको जो ये समय मिला है इसको और अच्छे से आप संजोएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ रहेंगे, और अपने परिवार के साथ उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपना समय का भी उपयोग करेंगे और मस्ती के साथ भी रहेंगे। मेरी बहुत शुभकामना आपको।